आज पति का फोन आया, बोल रहे थे बाबू याद आ रही है तुम आ जाओ। सच में मेरा भी मन मोह आया, पता नहीं किसका पति था। पूरे 5 लाख लिए मेरे पापा से शादी के टाइम पे तुमने। अरे चुप कर, 5 लाख कंपेंसेशन लिया तुझे जिंदगी भर झेलने का। वो जो तुम्हारी बड़ी साली है ना, उसकी शादी तय हो गई है। मेरी कौन सी बड़ी साली भाई, मैं तो साली नहीं है कोई। अरे वही मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रीति। क्या प्रीति? प्रीति की शादी तय हो गई? पर वो तो 34 साल की थी और उसके तो 4 रिश्ते टूट गए थे। उसने कहा था मैं शादी नहीं करूंगी। तो क्या हो गया, 34 साल की है तुम है? तुम लोग 50 साल के तो सोचते हो मैं 22 साल की लड़की मिल जाए। जिम जाती है डेली, कितना फिट रखती है अपने आप को। मेरे जज्बातों के साथ यार बहुत बुरा हुआ है। तो तुम्हारे कौन से जज्बातों पे पानी फिर गया? मैंने तुम्हें जया बच्चन, प्रीति को रेखा और खुद को समझ रखा था अमिताभ। अब उसने शादी करके कर दी ना पूरी पिक्चर खराब। ये सोच पाड़ रखी है तुमने, ये ख्याल पक रहे तुम्हारे दिमाग में। और वैसे बाप जाने तुमने अपने आप को अमिताभ कहाँ से सोच लिया, किस एंगल से लगते तुम अमिताभ? मैं अमिताभ हूं ना हूं, लेकिन तुम तो हूबहू चिड़चिड़ी नक्सली गुस्सेल जया बच्चन की तरह ही हो ना। तुम्हारी ना उल्टी गिनती अब मैं शुरू करूंगी। देखो बिल्कुल जया बच्चन ऐसे ही गुस्सा करती है अमिताभ के ऊपर भी। पति बैल होता है और पत्नी उसका खूटा। क्यों? अब पड़ोसन हरा हरा चारा। देखो हमारी पड़ोसन हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी लेकर गए? मैंने तो उससे 4-5 बार पूछा, पर पता नहीं क्यों वो मना कर देती है। मैं अपनी बात कर रही हूँ। ज्योति खाने में क्या बनाया आज? खाने में टमाटर प्याज की सब्जी और रोटी। यार भाई आ रहा था, मैंने सोचा पनीर की सब्जी बना लेती। यार इतने बेफालतू खर्चे नहीं करते अब ना, मेरे पास इतना टाइम है, कोई वीआईपी नहीं है कि मैं उसके लिए अलग से पनीर की सब्जी बनाऊंगी। अभी खा लेंगे यहीं आके। यार भाई तेरा आ रहा था। यार प्लीज यार ला दो पनीर। नहीं कोई नहीं, यही खा लेंगे। यार प्लीज ला दो ना प्लीज। वीआईपी थोड़ा आ रहा कोई घर पे। यार आपका साला तो इतना प्यारा सा, ले आओ ना, ले आओ प्लीज यार प्लीज प्लीज। अच्छा ले आओ जल्दी बनाती हूँ इतनी। ये जी बहुत गर्मी हो गया, ये सी नहीं तो कूलर ही ला दीजिए, टेबल फैन ही ला दीजिए, हाथ पंखा ही ला दीजिए, खाना मांगिएगा हम भी करेंगे हैं। सुनो गर्मी आ गई है, अपना ख्याल रखना, खाना कम खाना और पानी ज्यादा पीना। अरे वाह इतनी केयर। और हाँ सबसे जरूरी, अपने सिर को धूप से बचा के रखना। क्यों? क्योंकि भूसे में जल्दी आग लगती है ना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आई लव यू। नहीं ये बात तुमने मेरे फ्रेंड को भी बोली थी। हाँ क्योंकि मैं तुमसे रिलेटेड हर चीज से प्यार करता हूँ। सुनो हाँ? मैंने नया फोन ऑर्डर कर दिया है। तुम्हारे पास फोन था तो नए फोन की क्या जरूरत थी? यार वो आउटडेटेड हो गया था, अब नए फोन में नए फीचर्स आए हैं। अगर किसी की बीवी में नए फीचर ना हो तो?